हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो ये पहला लेक्चर है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ये लेक्चर स्लो लगता है तो आप इसको फास्ट करके सुन सकते हैं और देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लेन फिगर यानी मेंसुरेशन ऑफ प्लेन फिगर। तो समझते हैं कि मेंसुरेशन ऑफ प्लेन फिगर या हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि इसमें होता ये है कि कहीं पे भी मान लो हमारे पास कोई प्लेन फिगर है जिसका मेजरमेंट करना है, जैसे कि एक ट्रायंगुलर पार्क है उसका एरिया मेजर करना है, आपका घर है चौकोर है उसका एरिया मेजर करना है, या आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सब एरिया मेजरमेंट करना होता है। तो यहाँ ये सब एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको ये समझना होगा कि प्लेन फिगर है ये सब, और इस प्लेन फिगर में हमको एरिया कैलकुलेट करना होता है या पैरीमीटर कैलकुलेट करना होता है, जिससे हम ये पता लगा पाए कि हमारे पास कितना स्पेस है। तो ये सब हमारा एक तरह से टू डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गई एक तरह से। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले समझते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल एक प्लेन ज्योमेट्री है जो आपको इस तरीके से दिखती है, जिसकी तीन साइड्स होती हैं, यानी अ फिगर कंटेनिंग थ्री साइड्स एंड ईच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ए बी एंड सी। ठीक है, एक एंड दूसरी साइड से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से, तीसरा पहले से, तो इस तरीके से तीन साइड से जो कनेक्ट करके ज्योमेट्री बनी वो कहलाती है ट्रायंगल। अब समझते हैं इस ट्रायंगल में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो इनको हम कहते हैं साइड्स, ए बी, बी सी, ए सी या सी ए। तो हमारे पास इस ट्रायंगल में क्या पार्ट है, हमारे पास इसके पार्ट्स हैं, जिसका एक जिसको हम कहते हैं साइड्स। क्या क्या है, ए बी, बी सी, सी ए। ठीक है, अब बाय नोटेशन ये तो हमने दिखा दिया, तो हमें पता है ए के सामने वाली साइड की कुछ लेंथ होती है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाली कुछ लेंथ होती है जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल सी के सामने वाली साइड जो होती है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ए बी को हम कह सकते हैं सी, बी सी को हम कह सकते हैं ए और सी ए को हम कह सकते हैं बी। तो ये नोटेशन है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बाकी ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आता है। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ए, इसको कहते हैं एंगल बी, इसको कहते हैं एंगल सी। तो यानी कि हमारे पास दूसरा पार्ट क्या हो गया एंगल का, तो एंगल यानी कि ए बी सी, ये एक एंगल हो गया जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एंगल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, और एंगल बी सी ए इसको हम एंगल सी भी बोल सकते हैं, एंगल सी ए बी इसको एंगल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो इसके कंपोनेंट है जो हमें समझने हैं। ठीक है, ऐसे ही ट्रायंगल में एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोटन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एक अगर ट्रायंगल आपके पास गिवन है तो आप इस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड पर 90 डिग्री बनाता हुआ एक एपेक्स से
अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो कहलाता है परपेंडिकुलर, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा एच। तो ये तो हुआ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी या पार्ट कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं आगे। तो हम देखते हैं कि इसमें टाइप कौन कौन से होते हैं। पहले एक हम सिंपल एक ट्रायंगल की बात कर लें जो हम कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रायंगल में आपका होता है एक सिंपल ट्रायंगल, जिसमें मैं इसके पार्ट बता चुका हूं आपको। ये ए, ये बी, ये सी, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। एक पार्ट होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अगर हम इसमें पेरीमीटर की बात करें तो पी हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इसका मेजरमेंट करते हैं हम मीटर में या सेंटीमीटर में, डिपेंडिंग ऑन किस यूनिट में आपका क्वेश्चन गिवन है। दूसरा होता है हमारे पास एरिया। तो एरिया क्या होता है? एरिया बेसिकली होता है कि वो प्लेन ज्योमेट्री कितना पार्ट कवर करता है, तो वो हमारा कहलाता है एरिया। यानी कि अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कितना पार्ट कवर कर रहा है, ये पार्ट ये कवर कर रहा है, तो ये कहलाता है इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 ए इंटू एच। बताया अभी एच क्या होता है? एच ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, यानी हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट बोले तो यानी परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अनइक्वल हैं। तो इसका एक और फॉर्मूला है निकालने के लिए कि जो एरिया कैलकुलेट करते हैं वो एरिया आता है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें एस क्या है? एस कहलाता है आपका सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर एस। वो होता है इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी क्या था? पेरीमीटर। पेरीमीटर को हाफ कर दिया तो आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में? ओके, अब चलते हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पहला होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या है, कोई भी एक एंगल हमारा और बी और एंगल सी 90 डिग्री है। कोई भी एक एंगल उसमें 90 डिग्री है।
ये हमारा कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम इस फिगर को देखें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, लेकिन ये एंगल भी जो है हमारा 90 डिग्री है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सी क्या हो गया, सी हमारे लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। ए हमारा बेस हो गया, क्योंकि बेस पर हमने क्या देखा था, बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, या हमारा जो पिछला कंसेप्ट था किसी ट्रायंगल को लेकर, वो यही तो था, बेस ए और हाइट एच, यानी ए पर जो हाइट एच पड़ी हुई है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एरिया क्या था हमारे पास, हाफ ए इंटू एच। तो सेम यहाँ पे भी हो जाए, यहाँ क्या है, यहाँ पे ए बेस हो गया, हाइट परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया एच, तो एच किसके बराबर है, सी के। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा इसका, हाफ ए इंटू सी। अगर हम पेरीमीटर की बात करें इसका, तो पेरीमीटर पी कितना आएगा, यहाँ पे सेम आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा पहला ट्रायंगल है। फिर हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ। दूसरा ट्रायंगल होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसका एनी टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हैं। जैसे अगर हम इसको देखें, एक ट्रायंगल ड्रॉ करें इस तरीके से, और हम ये कहते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये जितना लेंथ इसका है ए, या ये है सी, मान लीजिए सी है, तो ये भी क्या होगा, सी होगा, दो साइड इक्वल हो गई और ये हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए फिर से अगर फॉर्मूला देखें, तो ये इस पे हाइपोटेन्यूज या एच परपेंडिकुलर जो होता है वो हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास एरिया कितना हो गया, एरिया हाफ ए इंटू एच। ठीक है, बेस बेस क्या है हमारे पास, बेस अगर देखोगे तो ए है हमारे पास, ये पोर्शन ये हमारे पास ए है, और एच क्या है, एच ये है, तो ये हमारे पास एरिया आ जाता है। अगर हम एरिया के अलावा और किसकी बात कर सकते हैं, पैरामीटर की, तो पैरामीटर अगर हम देखें तो इसमें अगर पैरामीटर की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस टू सी हो जाएगा। मैं चाहे तो सी इसकी जगह बी भी लिख सकता हूँ, तो बी अगर लिखता हूँ यहाँ पे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, अगर बी इक्वल साइड से तो ए प्लस टू बी हो जाएगा। वो तो डिपेंड कर रहा है कि आप क्या लिख रहे हो उसको, तो उस पर डिपेंड करता है। अब इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में और एक चीज हमें समझनी चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास ये गिवन है, ए ये बी ये सी। तो हमने इसे ए कहा, इसे सी कहा, इसे सी कहा,
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर होगा और ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा, यानी कि यहां से यहां तक ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, ए बाई टू। तो इस पूरे ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप h निकाल सकते हो, अगर गिवन नहीं है तो आप निकाल सकते हो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर एच स्क्वायर। तो h आपके पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम फिर से अगर दोबारा एक बार फॉर्मूला लिखे ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया हमारे पास क्या था, हाफ ए इंटू एच। तो हाफ ए इंटू एच हमारे पास आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। तो ये तो हुआ हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात। अब बात करते हैं दूसरे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसका क्या मतलब हुआ कि दो साइड्स, टू साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, यही तो बताया। एंड वन एंगल, वन एंगल एंगल इज 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक ये ट्रायंगल है जिसका ये लेंथ अगर हम कहें ए है तो ये लेंथ भी ए होगा और ये लेंथ हमारा बी हो जाएगा। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड होती है हाइपोटन्यूज, तो ये तो हाइपोटन्यूज हो गया, तो जो स्मॉलर साइड है वही इक्वल होगी। तो इसलिए ये एंगल और ये साइड और ये साइड इक्वल होगी और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो अगर हम इसको देखें यहाँ से तो हम ये कह सकते हैं, पहले निकाल ले पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना आएगा, ए प्लस बी, यानी कि 2a+b। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ बेस ए, ये ए हो गया बेस, आप देखोगे तो ये ए हो गया बेस और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस इंटू ए इंटू ए यानी हाफ ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास चौथा पार्ट जिसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसके थ्री साइड्स इक्वल हो, थ्री साइड्स आर इक्वल। थ्री साइड्स इक्वल होने का मतलब हो गया कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं। अगर हम कहें ए बी सी, ये ए है
तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। इस ट्राइंगल की खास बात क्या है, इसके सभी एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये भी पता होगा आपको कि ये हाफ ए बाई टू होगा यहां से यहां तक, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो हम यहां से ये कह सकते हैं, तो फिर से अगर हम देखें तो पेरीमीटर की अगर बात करें, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हमारे पास आता है ए प्लस ए प्लस ए यानी 3a। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3a। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारा आता है हाफ बेस ए इंटू हाइट h, ठीक है। ये हाइट h है आपकी, ये हाइट जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बड़ी साइड्स कौन सी है, ए, ये इसकी बड़ी साइड्स हो गई ये, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, पढ़ी होगी, एक कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो ये याद कर लीजिए। ये अगर 90 डिग्री है तो ये हाइपोटनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो आपको पता है हाई बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटी साइड्स का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या हुआ, सेम इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड्स बड़ी हो गई, ए स्क्वायर ये लिख दिया हमने ए स्क्वायर यहाँ पे, और छोटी साइड हमारे पास ए बाई टू है तो ए बाई टू का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ए बाई टू का स्क्वायर आ गया, और दूसरी छोटी साइड एच, तो एच का स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करें तो ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर, तो इसको इधर ले जाओ ट्रांसफर कर दो, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, तो इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा फोर, ये आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाता है आपका 3a² / 4। तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू 3/4a². तो अगर हम h निकाल दें यहाँ से, इट मीन्स h निकाल दें तो यहाँ से आ जाएगा रूट 3/2 * a। यानी परपेंडिकुलर लेंथ अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालना है तो वो होता है √3/2 a, ठीक है। ये चीज समझ में आया, ये चीज आपको याद रखनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। अब दोबारा से अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो मैं इसको दोबारा से a इज इक्वल टू 1/2 * a * h की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे √3/2 a, तो यह आ जाएगा √3/4 a² a² तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है, नेक्स्ट हमारे पास है ऐसा ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ट्राइंगल हैविंग एनी टू साइड्स एंड
एंगल इंक्लूडेड बिटवीन साइड्स, ठीक है, ये समझ में आया। ये हमारा हो गया पांचवा पार्ट, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल, देखें इस तरीके से, सिर्फ एक मैं बताऊंगा, बाकी के रिजल्ट हम लिख देंगे। एक ऐसा ट्रायंगल मान लो ये है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास अगर ये ट्रायंगल है तो हमें पता है कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमारे को दो साइड्स कोई भी दी हुई है, मान लो इसके आगे का साइड ए दिया है, इसके बी के आगे का साइड्स बी दिया है, और इसके बीच का एंगल दिया है ये, ठीक है, एंगल सी। तो हमें कहता है इसका पेरिमीटर और एरिया बताओ। तो पेरिमीटर सिंपल है, हमें ए, ठीक है, पेरिमीटर हमारे को सिंपल रहेगा, उसमें निकाल सकते हैं अगर तीनों साइड्स दी हुई है तो ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन अगर एरिया निकालना हो, अगर तीनों साइड दी है तो पेरिमीटर निकलेगा, नहीं तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, वो इससे होगा, आप समझो कैसे। और एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक सिर्फ बेस फॉर्मूला है, एक सिंपल फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बी बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये हाइट कैलकुलेट करनी है, हर बार हम यही कर रहे हैं कि हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये चीज दे रखी है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसे हमने बोला एच, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को डी कह दूं, इस पॉइंट को, तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल ए डी सी, है ना। तो हमें पता है इस ट्रायंगल में, हमें पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, हमें पता है एच हाइपोटन्यूज, सॉरी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटन्यूज बी कितना होता है भाई, ये हमारे पास आ गया हाइपोटन्यूज एच अपॉन, मतलब सॉरी, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटन्यूज, तो हमारे पास ये कितना आ गया, यानी एच परपेंडिकुलर कितना है एच, और हाइपोटन्यूज कितना है बी, तो एच बाई बी हमारे पास आता है ये साइन सी इस एंगल के बराबर। आपने पढ़ा है ना ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये आपके पास पी हो गया, ये एच हो गया, ये बी हो गया, ये एंगल आपके पास गिवन है, तो हमें पता है साइन, ये थीटा है तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच, तो यहां से ये आया है। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो एच आ जाएगा आपके पास बी साइन सी, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाता है। तो यहां से हम एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं इसी को फॉर्मूले में रखूं तो ये हमारे पास एरिया हमारे पास कितना जाएगा हाफ, बी हमारे पास कितना है, यानी बेस, बेस कितना है यहाँ पे, बेस देखो ए है, ये पूरा बेस है, यानी ए इंटू हाइट कितना हो गया बी साइन सी, यानी एच की वैल्यू हमने यही तो निकाली बी साइन सी, ये वैल्यू जो हमने यहां निकाली है ना इस जगह पे, ये वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे आपके पास फॉर्मूला आएगा हाफ ए बी साइन सी। अब ध्यान से देखो, सिमेट्रिकल है, हाफ ए बी साइन सी, यानी जो साइड्स आपको दी हुई है ए बी इंटू साइन सी,
तो अगर दूसरे फॉर्मूले अगर आपको बनाने हैं एरिया के, तो आप अगर तीसरी साइड भी अगर आपको गिवन है सी, तो कोई सा भी साइड गिवन हो और उसके बीच का एंगल गिवन हो, तो आप निकाल सकते हो हाफ। अगर मैं बी और सी, दो साइड्स बी और सी, बी और सी गिवन है, तो मुझे क्या चाहिए? उसके बीच का एंगल चाहिए एरिया निकालने के लिए, यानी साइन ए। और अगर तीसरा बनाना हो हाफ, यानी कि सी और ए, अगर ये दोनों गिवन है तो इसके बीच का मुझे एंगल चाहिए, तो सी ए, यानी सी इंटू ए इंटू साइन बी। तो ये आपके एरिया आ जाता है जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स और उसके बीच का एंगल गिवन होता है, तो हम इस तरीके से उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलो, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट है एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें हाइपोटन्यूज नहीं दिया हुआ है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, यानी हमारे पास अगला पार्ट है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ओनली थ्री साइड्स आर गिवन, साइड्स आर गिवन, तब कैसे निकालोगे? ठीक है, तीनों साइड्स दी हुई है, तीनों साइड्स दी हुई है, तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी। अगर तीन साइड्स गिवन है, ठीक है, तीन साइड्स अगर आपको गिवन है, तो इस तरीके से ए बी सी, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तीन साइड्स गिवन है, तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी है एरिया निकालने का, सेमी पैरामीटर का, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एक और तरीका है इसको निकालने का, हम चाहें तो एक और तरीका यूज कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये कुछ पार्ट में सेगमेंट में काटेगा, कुछ भी हो सकता है ये, तो मैं इसे एच कह देता हूँ और इसको एक्स कह देता हूँ। अगर इतनी दूरी को मैं एक्स मानता हूँ, तो ये वाली दूरी, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ए, टोटल डिस्टेंस ए है, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया। तो अगर मैं देखूं तो दो ट्राइंगल मेरे पास बन गए, एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया। मैं अगर इसमें फॉर्मूला लगा दूं पाइथागोरस थ्योरम का, तो मेरे पास पहले से इक्वेशन बनती है एक ट्रायंगल से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां से। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो मेरे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, इसको मैं इधर ले गया, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायंगल के लिए है, ठीक है। ये अगर मैं कहूँ तो फॉर ट्रायंगल ए डी सी, अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ए बी डी की, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, एच स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर के, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से एच स्क्वायर कैलकुलेट कर सकता हूँ, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको दोनों को, क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, एच स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब फ्रॉम वन एंड टू दोनों क्वेट कर दें तो हमारे पास आता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, बी स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास वो फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको ये पता होने चाहिए। तो यहां से देखोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू बच जाती है। तो इनको इधर ले जाओ, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा टू ए एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपके पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए। तो यहां से आप देखोगे तो ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया, ये होल में है, यहाँ ब्रैकेट लगा देना चाहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आप कहेंगे ये कैसे हो गया। ओके तो हम आगे देखें, तो यहां से मेरे पास आया x इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो हमारे को एच का वैल्यू चाहिए, तो हमें पता था एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस माइनस था सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी, हाँ ये एक्स का आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, तो हम यहां से क्या कर लेंगे, यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो यहां से हमारे पास जब इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व होके आ जाती है सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए, तो h का वैल्यू आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस, यानी इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा छूट गया, नहीं स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से सीधा सीधा यानी कि एरिया लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ, बेस हमारा क्या था ए इंटू, हाइट हमारे पास क्या थी जो हमने अभी निकाली, यानी कि एच सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 ए होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास जब हीरोज फॉर्मूला है तो हम इतनी बड़ी इक्वेशन क्यों सिंपलीफाई कर रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, नहीं करनी चाहिए आपको सिंपलीफाई। आपको इसलिए सिंपलीफाई कर रहे हैं ताकि ये प्रैक्टिस में आए कि आपको पता हो कि ये तरीका यूज करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या आंसर ला सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन बने होते हैं जिसमें हमारे को इस तरीके से ट्रिक लगानी होती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास, ये एक ऐसा ट्रायंगल था जिसमें मैंने बात करी, तीनों साइड एक्यूट थी। अब एक ऐसा ट्रायंगल ट्रायंगल हैविंग ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, तो सेम इसमें भी वही केस है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल उसका 90 डिग्री से बड़ा होता है। ये अगर मैं कहूँ इसे ए कहता हूँ, इसे बी कहता हूँ, इसे सी कहता हूँ, तो ये एंगल सी, एंगल सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये साइड ए हो जाएगी, ये साइड बी हो जाएगी, ये साइड सी हो जाएगी। तो ये आपका आता है परपेंडिकुलर, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एच के थ्रू। तो यहां से भी सेम प्रोसेस लगाकर आप यहां से पेरीमीटर निकाल सकते हो और एरिया निकाल सकते हो। तो अगर आप एरिया निकालोगे इस केस में तो आपके पास फिर से हाफ बेस इनटू हाइट होना चाहिए। तो हाफ बेस कितना है आपके पास, ए हाइट कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस, ये आपका आ जाता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ जाएगा इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें आपको एक्चुअल में क्या सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है ट्रायंगल्स के बारे में पूरा, इसके फॉर्मूलेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल देखेंगे थोड़े, पहले सिंपली सिंपल न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर ट्रिकी न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आप इसको आगे फॉलो करिए और दूसरों को भी रिकमेंड करिए। थैंक यू।